लगता है वापस स्लीप वॉक करने लगी मम्मा। हाँ? कितने बार बोला कि अच्छे डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट कराओ, तो मम्मा की स्लीप वॉक वाली आदत कभी ठीक नहीं होगी। पता चला कभी चांदनी चौक के ही चली जाएंगी रात को चलते चलते। अरे मेरी नींद में चलने की आदत चली गई, तू अपना नींद में बड़बड़ाने की आदत छोड़। सुबह के 9 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। अम्मा अब इसके लिए लेट तक नहीं सोते क्योंकि हम आलसी हैं। हम इसके लिए लेट तक सोते हैं क्योंकि भाई हमारे भी तो सपने बड़े बड़े हैं। बातें बनाना तो कोई तुम दोनों से सीखे। और ये लड़की अभी तक सो ही रही है। आयो मम्मा आपको पता है अगर कोई गहरी नींद वाला आदमी सो रहा होता ना तो अभी तक उठ भी जाता है आपकी तबलाने पे। लेकिन जो नौटंकी करता है ना, जिसे ये अभी कर रही है, वो अभी तक सो रहा होता तो मुझे क्या करना। मैं तो सीधा किचन से गर्म पानी ले आऊंगी और इसके ऊपर ही डाल दूंगी सब। ओह नो। नहीं नहीं मैं उठ गई। रहने दो, मत डालो मैं उठ गई। तू क्या हंस रही है? तू तो खराटे मारते थे, मैं सो भी नहीं पाई। दिन में ऑनलाइन क्लासेस नहीं सोने देते, रात को तेरे खराटे नहीं सोने देते और सुबह मम्मी का ताने नहीं सोने देते। यार क्या करूं मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और ये तो तेरे खराटे वाले इंसान का तो एक फायदा भी होता है, खुद तो आराम से सो ली, खुद को डिस्टर्ब नहीं होता। मैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम दोनों उठते ही लड़ाई शुरू मत करो, चलो किचन में मेरी मदद करो। जा अबे तू जाना, मैं क्यों जाऊँ? तू जाना, मेरे कान नहीं काम कर रहे क्या? अबे जा, मम्मा बुला रहे हैं, चल। ये भगवान, तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। मैंने ही गलती की तुम दोनों के पास में आके। चलो मैं ही जाके सारा काम करती हूँ। चलो आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा के तैयार करती हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ? मतलब अरे जब भी मम्मी कुछ काम करने को बोले तो हम लोग लड़ने लग जाएंगे, तो हम दोनों से किसी को भी काम नहीं करना होगा। हाँ यार ये तो एकदम अच्छा आइडिया है काम से बचने के लिए। जब भी मम्मी कुछ काम देगी ना हम दोनों लड़ने लगेंगे। वैसे भी लड़ना तो अपन दोनों का फेवरेट काम है, इससे तो हम काम से बच जाएंगे क्योंकि मम्मा खुद ही काम कर लेंगी। तो यहाँ से हम यही करेंगे। हाँ ठीक है, डन। मैं भी जा रही हूँ। Few moments later. अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन सोच रही हूँ मैं एक स्टोरी पढ़ लूँ। स्टोरी? कहाँ है तेरी बुक? मेरे पॉकेट में। पॉकेट में? अरे मेरा मतलब मेरे फोन में। फोन में? कैसे? पृथ्वी ऐप में। ये कौन सा ऐप है? अरे एक बहुत ही मजेदार ऐप है, इसे 50 लाख से भी ज्यादा कहानियाँ है, वही 12 अलग अलग भाषाओं में। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब फ्री में पढ़ सकते हो आप। अच्छा तू कौन सी टाइप ऑफ स्टोरीज पढ़ रही है इसमें? देख मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो थ्रिलर और सस्पेंस पसंद है, लेकिन प्रतिलिपि ऐप में थ्रिलर से लेके रोमांटिक तक हर जॉनर्स हैं। इम्प्रेसिव। अच्छा मैं भी इस ऐप को अभी डाउनलोड करती हूँ। तो गाइस आप भी डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप, क्योंकि अब कहानियाँ सिर्फ आपकी किताबों में ही नहीं आपकी जेबों में भी रहेंगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एक मिनट, तू क्या खा रही है? चॉकलेट। शेयरिंग वाला? नहीं बेटा, मेरा तो फ्रिज में है। बेटा वो फ्रिज वाला ही ये है। क्या तू मेरा वाला खा रही है? ओ मम्मा मम्मा ये शांत रे भाई, मम्मा को इतनी छोटी बात के लिए क्यों बुला रही है? अब तू देख, अगर मम्मा आ भी जाएंगी मुझे छीन के तुझे दे देंगे ये चॉकलेट, तू मेरा झूठा खाएगी क्या? नहीं एग्जैक्टली, तो काहे पैपा कर रही है, खाने दे मुझे। मैं शाम को खाऊंगी सबसे बड़ा वाला चॉकलेट, तेरे को जलाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, तब का तब देख लेंगे। भगवान करे तेरे इस चॉकलेट में कीड़े पड़े तो उन कीड़ों को ही खा जाए। कीड़े मीठे रहे क्या? तो खा लूंगी। मेरी प्यारी बहना बड़ी बहना, सुबह तो मेरे को छोटी बहन रहती है, बड़ी बहन हो गई। हाँ
सुबह तो मैं गुस्से में नहीं थी, नहीं तो मतलब तू तो मेरी बेस्ट सिस्टर है, मतलब इतनी सुंदर है तू। बाजू वाला पानी का बोतल देना प्लीज। आई हो या तू कितनी अच्छी, तू तो बड़ी बहन है, तो हमेशा मेरी बात मान दे, मतलब देती है ना, प्लीज आई हो प्लीज। कदा ही नहीं, प्लीज ना आई, दे देना प्लीज प्लीज दे दे। नहीं दूंगी, अभी तुम्हें थप्पड़ चाहिए क्या? अच्छा जब तू थप्पड़ मारने आ ही रही है यहाँ तक, तो पानी का बोतल भी लेकर आ जाना। हाँ? नहीं लाऊंगी मैं। अच्छा तुम दोनों यहाँ पे हो, चलो ना मेरे साथ स्टोर रूम की सफाई करवा लो, इतने दिनों से बंद है, बहुत गंदा हो गया है। तू कर लू। हाँ मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगी, तू जाकर। मैं नहीं करूँगी मम्मी, पता इसने मेरी चॉकलेट खाया, मैं नहीं करूँगी, तू कर। मम्मा आपको पता है उसने मुझे पानी नहीं दिया, प्यासे आदमी को पानी देना चाहिए हमेशा। इंसान जानवर है तो जानवर, मुझे जानवर थी तो मेरे क्लीन है, जो नहीं तो मेरे मतलब सेम टू सेम। बस करो तुम दोनों लड़ना, फिर से शुरू हो गई तुम दोनों। ये घर है, कोई कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है। लड़ना बंद करो, मैं ही कर लेती हूँ। यस या। अरे यार ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है। मम्मा वैसे भी जब भी आती काम के लिए आते ना, तो जैसे ही मम्मा आएंगे ना हम लोग लड़ना चालू कर देंगे, तो कभी तो काम मिलेगा ही नहीं। सही कहा, हमारा तो प्लान वर्क कर गया। अच्छा तो ये है इनकी प्लानिंग, अब मैं भी बनाती हूँ अपना प्लान। ओह या। फ्यू मोमेंट्स लेटर। मम्मा कहाँ हो? अरे मम्मा आप सो रहे हो? अरे मम्मा आप ही तो कहते थे शाम को शाम से, भी आप खुद ही सो रहे हो। क्या बताऊं बेटा, आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी ना, कबर्ड के ऊपर से हथौड़ा मेरे हाथ पे गिर गया और हाथ में बहुत जोर की चोट लग गई। ओह नो। ओह माय गॉड, मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने पेन किलर ली ना, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। ओके मम्मा आप अपना ख्याल रखो, अगर कुछ भी चाहिए तो हमें बुला देना। अरे रुको रुको बेटा, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट बेसिन में इतने सारे लंच के बर्तन पड़े हैं और पापा को ऑफिस से आने का भी टाइम हो गया है, अभी तक लंच भी नहीं बनाई हूँ, ऊपर से घर का इतना साफ सफाई करना, क्या करूँ? क्या करूँ? तो मैं क्या कह रही थी बेटा कि अभी 2-3 दिन तो मुझे लगेगा रेस्ट करना ही पड़ेगा मेरे हाथ के लिए, तो मैं सोच रही थी घर का काम 2-3 दिन तुम दोनों संभाल लो ना। क्या ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ मम्मा आप रेस्ट करो। यस अब बताती हूँ इन दोनों को, बेटा बच्चे कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन माँ हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहती है। बर्तन माजू रे, प्यार प्यार मैं क्या चाहूं रे। और यार मम्मा ऐसे इतना सारा काम कैसे कर लेती है अकेले? यार वही ना यार, मैं तो थक गई हूँ, मेरा पैर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसे बैठ के बर्तन माज रही हूँ। यार अब से मुझसे नहीं होगा यार ये सब, चिंता मत करना नो, अपना टाइम आएगा। कुछ टाइम नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। आई प्लीज तू रात का डिनर अच्छे से बना देना, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अकेले कैसे बनाऊं? मुझे आई से तो जानो, मुझे डिनर भी बनाना पड़ेगा खुद। अरे क्या हुआ अनु बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मामा मैं ठीक हूँ, लेकिन मम्मा एक काम करते करते मैं थक गई, मुझसे और काम नहीं होगा, मुझे आराम चाहिए, मैं नहीं करूँगी कुछ। आराम आराम है, नैना जी की बात है तो चल चुपचाप यहाँ डिनर बना। ओह नो। नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। अरे कैसे कैसे नहीं आएगी? मैं नहीं करूंगी। अरे अकेले कैसे करूंगी? अरे रुको तुम दोनों, रुक जाओ, लड़ाई करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। आज शाम का डिनर मैं बनाऊंगी। अरे मम्मी लेकिन आपके हाथ नहीं लगे, आप कैसे बनाओगे? जी नहीं, मेरे हाथों में कोई चोट नहीं लगी है। क्या? हाँ बेटा, मैं तो तुम दोनों बहनों को ये बताना चाहती थी कि घर में माँ एक अकेली औरत पूरा दिन काम करती है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से लेके शाम के डिनर तक काम ही करती रहती है। सॉरी मम्मा, आज हमने रियलाइज किया एक दिन हम लोग करके इतना थक गए। तुम दोनों एक दिन में पूरा इतना थक गई हो,
मैं रोज पूरा दिन थकी रहती हूँ और मुझे आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। जब आराम करने जाती हूँ तो कोई और काम आ जाता है। I'm really sorry, मम्मा। अब हम लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो चलो आज के बाद हम तीनों पूरे घर का काम मिल के करेंगे। हाँ। yes. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप भी इस वीडियो से अगर रिलेट करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने मम्मा पापा की बात हमेशा मानना, नहीं तो पता चला वापस आपके मम्मा पापा पे प्रैंक कर लेंगे। सो गाइस अभी हम अनाउंस करेंगे हमारे गिवअवे विनर्स को। सो ये था हमारा कम्युनिटी पोस्ट एंड इसमें हमने कहा था आपको कमेंट करने को, तो आपने भर भर के प्यार बरसाए, भर भर के कमेंट्स किए, तो उसमें से एक चूज करना था। आपको पता ही कितना मुश्किल है, सो हम एक डिफरेंट वे से करने वाले, चूज जाने बताइए। तो मेरे पास ये चार चिट्स है, इसमें कुछ वर्ड्स, एक वर्ड है, एक में है अनु, दूसरे में है आयु, तीसरे में है विनर और चौथे में है गिव अवे। तो ये चार चिट्स में ये शब्द लिखे हैं। तो हमारे पास इसमें एक टाइप ऑफ रहता है, एक कमांड रहता है, कमांड एफ दबाने से या तो कंट्रोल एफ विंडोज में, तो जो भी दबाते हो ना तो आप वर्ड्स को सर्च कर सकते हो, और फिर उसमें भी अगर हम वर्ड्स को सर्च करेंगे उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स रहेंगे, मतलब 50 वर्ड्स, और हमें उनमें से भी सिलेक्ट करना होगा। तो उसको नैरो डाउन करके हम एक रैंडम नंबर बोलेंगे जितना भी रहेगा, और फिर उसमें ढूंढेंगे। अब चलो आप हमारे साथ रहिए, तभी आयुष का पहले चूज करेंगे, मैं शफल कर देंगे। आप बन गया, ये चूज क्या है, लेट्स सी विनर्स। तो यहाँ पे विनर्स लिखा है, तो जिसने भी विनर टाइप किया वो बनेगा गिव अवे विनर। तो अभी करना कि अभी कंप्यूटर में लाते हैं हम अपना हाथ और इसमें कमांड एफ। अब देखो ये सर्च बार आया, अभी इसमें मुझे लिखना होगा, सो WINNERS। तो सिर्फ 29 पीपल ने विनर नाम का शब्द कमेंट किया है, मतलब बहुत नैरो डाउन है। तो आज का तो 2 और 1 में से एक नंबर चूज कर, 2, और मैं चूज करूंगी 8। 28 कमेंट जीतेगा जिसने विनर किया। चलिए तो काफी नीचे है 28। हां दैट्स ट्रू, एंड द विनर इज आराध्या एकर। कांग्रेचुलेशंस, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड आप हो विनर्स ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच की, सो कांग्रेचुलेशंस। और आपने कमेंट किया व्हेन विल यू सेंड विनर्स नेम, एंड यू आर द विनर। दैट इज सच अ कोइंसिडेंस, है ना, एकदम मजेदार है। तो अगर आप अपना प्राइस चाहते हैं कि कैसे मिलेगा आपको ये प्राइस, तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है ईमेल आईडी, इसमें आपको हमें ईमेल लिखना है एंड क्या लिखना है उसमें, क्या सब्जेक्ट, क्या डिटेल्स एंड ऑल, तो आप वो कर लेना प्लीज अपना जो स्मार्ट वॉच से पाने के लिए। तो दैट्स इट फॉर आवर वीडियो, कांग्रेचुलेशन आराध्या कर जी। और अगर आपको भी गिव अवे विनर बनना है तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, और हर महीने गिव अवे होता है, तो अगर आप इस बार नहीं जीते तो अगली बार जीत ही जाओगे। अगला गिव अवे होने वाला है कुक विद आशा के लिए, तो आप सब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, आई वन ट्विन सिस्टर्स कुक विद आशा, डिस्क्रिप्शन में तो है ही, बाकी सब चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो जिससे जब भी नया गिव अवे होगा तो आपको पता चल जाएगा। और मेरा जैसे कि आपको कुछ भी वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए गाइज। सो ये था हमारा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, सभी साथ शेयर करना एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइज आप भी डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप, क्योंकि अब कहानियां सिर्फ आपकी किताबों में ही नहीं आपकी जेबों में भी रहेंगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।